emphasis on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. अभी हमने खालसा एड के वॉलंटियर से बात करी जो इन बच्चों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इनकी सुविधाएं हो सकती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इन बच्चों से भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आप इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज 12वां दिन है एसएससी के प्रोटेस्ट का, तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी, इनके आने से आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिली है और कितनी कठिनाइयाँ कम हुई है? सर, इनके आने से एक तरीके से ऐसे जानिए सर, हमारी नींव उखड़ चुकी थी, इनके आने से सर नींव हमारी फिर से मजबूत हो चुकी और बहुत सारा हो गया है। हम लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा था, इन लोगों से आने तरीके से एक बहुत बड़ी मजबूती मिल गई। हम लोगों ने फिर से मतलब पॉजिटिव में जाकर के बहुत ऊंचे लेवल पर जाकर के हम लोग बैठ गए हैं और लगातार उसी तरीके से चल रहे हैं। जैसे सर आज मैं कहना, आज खुराना सर का जो है इंटरव्यू था ऊपर से, तो उन्होंने उसमें बोला है कि 21 से जो है 17 से लेकर के 21 तारीख तक की सारी जो है जाँच मांग ली, सीबीआई जाँच की मांग मान ली गई है और कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो सर शुरुआत से हमारी डिमांड ये तो थी ही नहीं, 17 से 21 वाला तो कोई मैटर ही नहीं था। सर इधर भी दिखाइए, आप ये देखिए सर, लगातार हम शुरुआत से यही कहते आ रहे हैं, इसमें सीधे सीधे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सिटिंग बेंच के अधीन एसएससी द्वारा कराई गई गत वर्ष की सभी परीक्षाओं पर सीबीआई की जांच सीमित समय में हो, और जब तक ये जांच नहीं हो जाती एसएससी की ऑनगोइंग जितनी भी परीक्षाएं कराई जाए उन पर सारी पर सारी रोक लग जाए। फिर उन्होंने कहा कि हम परीक्षाओं पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि और भी सारे जो जो है बच्चे हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सर मैं कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं सर, वो बच्चे नहीं जो परीक्षा देने जा रहे हैं, जो एग्जाम छोड़ रहे हैं, जो बैठे हुए हैं सर, इनका भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है सर। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा कि इसको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कर रहा है, सर कोई स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा है। आप यहाँ पर एक बार, आप यहीं पर है ना सर, लगातार 12वां दिन हो गया, आपने एक बार आकर के देखा तो होगा, आपको चेहरे बदलते हुए दिखाई देते, रोज रोज नए नए चेहरे दिखाई देते। आप कह सकते हैं आकर के यहाँ पर देखो, सारे के सारे बच्चे वही बैठे हुए हैं, किसी का गला सूख चुका है, किसी के यहाँ दर्द हो रही है, किसी का मुंह सूख चुका है, सारे के सारे दिखाई तो देते हैं सर। इसलिए आज 12वां दिन है, हम लोग कल का दिन 13वीं के रूप में, एसएससी का 13वीं के दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं, कल का दिन सर मनाने जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि वो लोग खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आप खुद यहाँ पर आए और यहाँ पर देखिए, ये सारे लोग यहाँ पर आकर के, खालसा पंथ के आकर के सारे लोग हमको खाना दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, क्या इनका भी हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, इनसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं, जो इनसे हमसे मजबूती मिल रही है? अगर आप नहीं जानते तो आप खुद इनसे इंटरव्यू ले भी चुके हैं, इनसे पूछ भी चुके हैं। ये दूसरे दिन ही आ गए थे, तीसरे दिन आ गए क्योंकि सर खाना भी लाने पर प्रतिबंध लग रहा था। दूसरी चीज़, हमने इन लोगों से गुहार भी नहीं लगाई कि हमको कोई चीज़ यहाँ पर अवेलेबल करवा दो कि हम करें। सर हम अपना खुद दरी बिस्तर सब कुछ लाना चाहते थे यहाँ पर लगाने के लिए, सर वहाँ लाकर ला ही रहे थे सर, वहाँ से हमारी गाड़ी भी हटवा दी गई, हमारे ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, हम पूछने एक बच्चा भी पूछना गया उसको भी सर मारा गया, उसको ले जाकर के अंदर बंद कर दिया गया। सर हम सोच रहे थे चलो हम लोग लड़के हैं सर, हम लोग कहीं भी व्यवस्था कर ही लेते हैं, बहुत सारे बच्चे गांव से भी हैं, हमने लड़कियों के लिए मोबाइल टॉयलेट यहाँ पर रखने की कोशिश, वो भी सारे हटवा दीजिए गए, मेट्रो भी बंद करवा दी गई। उसके बाद में जब संसद का पहला सत्र चालू हुआ तो मेट्रो का गेट खुलवाया गया, उसके बाद में फिर बंद करवा दिया गया। पुलिस लगातार जो है इधर उधर, जैसे ही सुबह उठ करके बच्चे फ्रेश व्रेश होने जाते हैं, मौका देखते ही बच्चे सोचते बच्चे यहाँ पर रहने, लगातार बैरिकेटिंग इधर उधर कर देती है, दबाव बनाती है, तो धक्का आज तो सुबह तक धक्का भी दे रहे थे खड़े होकर के, वो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर, लगातार वो धक्का दे रहे थे, प्रेशर बना रहे, कभी इधर से उधर कर देते हैं, कभी उधर से इधर कर देते हैं, लेकिन फिर भी सर हम बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज, सर ने बोला कि कोई पेपर लीकेज नहीं हो रहा है, मैं फिर सर से यही कहता हूँ कि जब हम एग्जाम सेंटर के अंदर ना तो हम पेन लेके जा सकते हैं, अंगूठी पहन के नहीं जा सकते हैं, इतना बड़ा ये धागा भी पहन के नहीं जा सकते हैं, तो फिर किस प्रकार से जो स्क्रीनशॉट बाहर आ रहे हैं वो पेपर लीक में नहीं आते क्या? उनको पेपर लीक नहीं कहते और क्या कहते हैं? उनको पेपर लीक नहीं कहते तो फिर हम क्या कहते हैं? इसीलिए सर हम सब कुछ ना कहते हुए, हम मान लो हम गलत हो सकता है सर, हो सकता है कि हम जबरदस्ती अपनी बात सही करवाना चाहते हो, हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं खुराना सर से, आप हमारे पिता तुल्य हैं, कम से कम एक बार आप बाहर आइए, तो मैं चाहता हूँ आप एक बार आकर के हमारे सामने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव बैठ करके हमारे जो हम सवाल जो उठा रहे हैं, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, उनको आप एक बार गलत सिद्ध कर दीजिए, सारी की सारी चीज़ क्लियर हो जाए, थोड़ा सा समय ही तो मांग रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम बच्चों के सामने नहीं जा सकते, हमको खतरा है। मैं सर कहता हूँ, मैंने अपने पिताजी का, सारे बच्चे अपने पिताजी का सम्मान करते हैं, मैं पिता की बात ही, आप यहाँ आइए, मैं आपके प्रोटेक्शन की, आपकी जिम्मेदारी की, यहाँ तो कि जितनी देर रहेंगे खाने पीने उठने बैठने की भी जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, आप एक बार आकर के बस हाथ जोड़ के इतनी ही विनती है, आप यहाँ पर आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, सारे सबूत है हमारे पास, जो आरोप लगा रहे हैं आप बेबुनियाद कह रहे हो, आप जो है बता रहे हो किसी पार्टी का बता दे रहे हो किसी किसी चीज़ का, हम खुद यहाँ पर हैं, हम सारी वो चीज़ें हैं, आप जो 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 आपके प्रश्न है, जो जो आप कर रहे हो उसका सारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप अगर ऐसा गलत लग रहा है, आप तो एज ए चेयर पर्सन हो,
एज ए चेयरपर्सन हो, और आने वाले समय में हम भी इस संस्था से जुड़ना ही चाहते हैं आपके द्वारा, आपके यहाँ बैठ करके हम काम करना चाहते हैं। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर आओ और हमारे प्रश्नों को गलत कर दो आकर के, अगर हमारे प्रश्न हो उसको आप सही तरीके से आप यहाँ पर जो है मॉडिफाई कर दो आकर के, बस हम इतना ही चाहते हैं। आप उसको ले जा रहे हो, बच्चों के बीच में जा नहीं सकते, आज 12वां दिन हो गया, सारे के सारे बच्चे बैठे यहाँ पर, जितना भी पुलिस प्रशासन बैठा किसी के साथ भी किसी भी तरीके की कोई बदतमीजी हो आपको, फिर यहाँ की सर पुलिस प्रशासन वो कह रहे कि पीछे से लगातार फोन आ रहे सर, दबाव बना है, यहाँ के पीछे भी लोग हैं, आप जा सकते हैं, उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। किसी इंसान के जरिए आदमी जाता है ऐसे भैया करके सर बात करता है, ऐसे भैया करके किसी की वो कोई समस्या हुई, कोई तोड़ फोड़ हुई, कुछ भी हो, गाली गलौज हुआ, कुछ भी हुआ तो बताओ हम लोग आसानी से। अब एक चीज बताइए सर, ऐसा प्रोटेस्ट कोई आपने देखा, सुबह हम लोग उठते हैं, सारे लोग देखते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं पूरा रोड, झाड़ू लगाने के बाद में विधिवत तरीके से सभी लोग फ्रेश फ्रेश होकर के बैठ करके बाकायदा तिरंगा का झंडा लेकर के खड़े होकर के राष्ट्रगान करते हैं। राष्ट्रगान करने के बाद में हम लोग जो है नारा वारा लगा करके अपना विधिवत तरीके से सारे लोग अपना डिस्कशन करके, सारे भाई लोग अपना डिस्कशन करके तब प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। बताइए सर इसको क्या कह सकते हैं आप? अभी तो आपने जैसे सुना कि इन स्टूडेंट्स के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ये इनको कोचिंग सेंटर फंडिंग कर रहे हैं और ये वायलेंस कर रहे हैं, आपने सुना कि बिल्कुल नॉन वायलेंटली तरीके से प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन पे आरोप दिन पे दिन लगाए जा रहे हैं कि इनको पॉलिटिकल पार्टी कोई फंड कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पार्टी से फंडेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा एसएससी प्रोटेस्टर्स से और जो स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, टेन न्यूज़ को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ, बट टेन न्यूज़ से ज़्यादा इन बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अगर आ नहीं सकते हैं तो आप सोशल मीडिया पे एक हम हैशटैग शुरू करने वाले हैं कि टेन न्यूज़ एक्सपोजेज एसएससी, जो आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, और वी वॉन्ट जस्टिस का एक हैशटैग होगा, वो भी आपको हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, तो आप उसको ट्विटर पे टैग करें, जितना ट्रेंड करेंगे उतना बेटर होगा। आप वो वीडियो अपना फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं, और सारे स्टूडेंट्स मिलकर उसको ट्रेंड करेंगे। विद कैमरामैन लोकेश गोस्वामी, प्रेज चौहान, 10 न्यूज़ दिल्ली।